हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मिशो वेबसाइट क्लोन यूजिंग HTML एंड CSS। सबसे पहले हम एक नया बार क्रिएट करेंगे जिसमें आप देख सकते हो हमने मिशो का लोगो लगाया है, देन उसके राइट साइड में हमने सर्च बार बनाया है, देन हमारे पास डाउनलोड का बटन है, बिकम अ सेलर, प्रोफाइल, कार्ड, ये सब हमारे पास नया बार में ऑप्शन है फर्स्ट वाले। देन जो हमने सेकेंड नया बार बनाया है जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, वुमन, एथनिक, वुमन, वेस्टर्न, मैन, किड, होम एंड किचन। देन आप देख सकते हो हमने जो मेन पेज बनाई है मिशो की, जैसे आप देखते हो रियल मिशो वेबसाइट पर उसी तरीके से। देन टॉप कैटेगरीज टू चूज फ्रॉम, ये हमने एक बेसिकली कार्ड बनाया है जिसमें वुमेंस वेयर है। देन बिकम अ रीसेलर, आप इसमें रीसेलर बन सकते हैं। प्रोडक्ट्स फॉर यू, बेसिकली हमने कार्ड्स बनाए हैं जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग्स कार्ड है, आप देख सकते हैं बैग, शूज़, टी शर्ट, इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स को क्रिएट किया है। देन लास्ट में हमने एक नेवबार क्रिएट किया है जिसमें आप देख सकते हैं हमने क्या बोलते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स भी दिए हैं मिशो वेबसाइट के। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। हम आ चुके हैं VS Code एडिटर पर और सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे नया बार, इसीलिए मैं एक ले रहा हूँ नया टैग जिसमें सबसे पहले मेरे पास होंगी इमेज, जिसमें इमेज टैग में मैं मिशो का लोगो रखने वाला हूँ, इसीलिए मैं misho.png उसमें लिख दे रहा हूँ। और देन उसके बाद हमें एक बेसिकली सर्च बार की ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक इनपुट टैग ले लिया। देन उसके बाद मैं एक डाउन बेसिकली उसकी क्लास दे दूंगा ड्यू की, और उसमें हम यहाँ पर पी टैग में डाउनलोड लिखेंगे, पी टैग में यहाँ पर हम लिखेंगे डाउनलोड। देन मैं एक और ड्यू क्रिएट करूँगा जिसकी हम क्लास दे देंगे आइकन, और उसके अंदर हम ड्यू क्रिएट करेंगे बेसिकली, उसके अंदर हम एक और ड्यू क्रिएट करेंगे जिसके हम क्लास दे देंगे प्रो, और जिसमें पी टैग में हम प्रोफाइल लिखेंगे। देन क्या करूँगा मैं इस पी टैग को कॉपी कर लूँगा और इस जो क्लास है उसे चेंज कर दूँगा, क्लास को कार्ट कर दूँगा, और यहाँ पर भी मैं कार्ट कर दूँगा पी टैग में। देन यहाँ से हम बेसिकली फॉन्ट आइकन का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे यूज़ करते हैं फॉन्ट आइकन, तो मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस जो मोबाइल वाला है मैं इसको कॉपी करके रख देंगे। देन ये हमारे पास प्रोफाइल वाला है, इसे भी हम पेस्ट कर देंगे। देन ये हमारे पास कार्ट वाला आइकन आ जाता है, तो इसे भी हम कार्ट के ऊपर पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमारा जो फर्स्ट नेवबार है वो क्रिएट हो चुका है, उसकी HTML हमने दे दी है। देन सेकंड नेवबार के लिए हम ड्यू में क्लास लेंगे सेकंड नेव, जिसमें हम बहुत सारे पी टैग लेंगे। मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया पी टैग को, क्योंकि हमें इन पी टैग को ही अलाइन करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो बेसिकली यहाँ पर मैं लिख दूँगा वुमेन, एथनिक, बेसिकली हम यहाँ लिख देंगे वुमेन एथनिक, वुमेन वेस्टर्न, वुमेन वेस्टर्न। देन हम यहाँ लिख देंगे मैन, देन किड। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ये सेकंड वाले नेवबार में, जिसमें हम होम एंड किचन्स, ब्यूटी एंड हेल्दी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये हमारे पास बच गए तो इसे मैं कट कर दूंगा। तो देखिए सभी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है और सेकेंड नेवबार का हमने HTML दे दिया है। अब हम एक और ड्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसके हम क्लास दे रहे हैं मेन, बेसिकली यहाँ पर हमको मेन पेज बनाना है हमारी वेबसाइट का, जैसे आप देख रहे हो और जैसे मिशो वेबसाइट में होता है, तो उसी तरीके से हमें एक मेन पेज बनाना है। तो मैं एक ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी मैं क्लास दे रहा हूँ टेक्स्ट, जिसमें हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट होगा, जिसमें एक H1 होगा, और उस H1 और उसी टेक्स्ट ड्यू के अंदर हम एक और ड्यू क्रिएट कर रहे हैं TXT नाम से। क्या नाम से? TXT नाम से बेसिकली, जिसमें हमारे पास
H2 टैग होंगे, बेसिकली ये 3 H2 टैग होंगे, 3 हमारे पास H2 टैग होंगे, जिसमें हम ये लिखेंगे फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, एंड ईजी रिटर्न्स। तो हम इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे H2 में। बेसिकली हमने इसलिए यार इसको डिफरेंट ड्यू टैग में लिखा है क्योंकि हम इसे ना अलाइन कर सकते हैं, इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स दे सकते हैं ना, इसीलिए मैंने इसको अलग लिया, नहीं तो मैं उसी ड्यू टैग में लिख सकता था। और लास्ट में हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक बटन जिसमें आप देख रहे हो डाउनलोड द मीशो ऐप लिखा है, इसमें हम लिख देंगे डाउनलोड द मीशो ऐप। तो इस तरीके से हमने डाउनलोड द मीशो ऐप लिख दिया। देन यहाँ पर जो हमारी मेन मीशो ऐप की जो इमेज है उसको हमने यहाँ पर इमेज पेस्ट कर दी, और जितनी भी मैं यहाँ पर इमेजेस का यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको सभी की समेज इमेजेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन बेसिकली हमें एक और ड्यू क्रिएट किया हमने, जिसके हमने टॉप कैट बेसिकली हमने उसकी क्लास दे दी जिसमें कुछ H1 होगा, और उसके अंदर हम एक और ड्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसकी हमने क्लास दे दी FS, और उसके अंदर है एक इमेज। देखिए ये इमेज है, तो इस लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और आपको इमेज की कोई टेंशन नहीं लेना है। बहुत से लोगों के यार सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आते कि इमेज, तो इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से आप बहुत सिंपल और इजी तरीके से ले सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, H1 में फैशन स्टोर लिख दिया और इसको हमने टॉप कैटेगरीज़ को कॉपी करके वहाँ रख दिया। अब हमारा जो टॉप कैटेगरीज वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और ड्यू बना रहा हूँ जिसकी हम क्लास दे रहे हैं सेलर, और उसमें H1 होगा जिसमें हम लिखेंगे बिकम अ सेलर, उस H1 टैग में लिखेंगे हम बिकम अ सेलर, और इसके अंदर हमारे पास एक होंगी इमेज, और इमेज के लिए हम फिर से जाएंगे यहाँ पर, और इसका जो इमेज का लिंक है, इसका इमेज का जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। देन हमारा बिकम अ सेलर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर एक और ड्यू क्रिएट करूँगा और उसकी क्लास दे देंगे हम बेसिकली कार्ड। तो अब यार हमारी बारी है कि अब हमें कार्ड्स को क्रिएट करना है, तो मैं ड्यू में क्लास बनाऊँगा जिसकी मैंने क्लास दे दी CRD, आप देख सकते हो, और उसमें H1 भी होगा बेसिकली, ये प्रोडक्ट्स फॉर यू। ड्यू और जो आपने CRD वाला ड्यू था उसी के अंदर हम एक और ड्यू क्रिएट करेंगे जिसको हमने क्लास दे दी इमेज, और उसके अंदर हम इमेज टैग ले रहे हैं, इमेज टैग के बाद हम ले रहे हैं उसमें एक बेसिकली H, हम यहाँ पर ले लेंगे H2 टैग, हम यहाँ पर ले रहे हैं H2 टैग, यहाँ पर हम ले रहे हैं बेसिकली H2 टैग, और उसके नीचे भी हम H2 टैग को ले लेंगे, और जो ये आप इमेज ड्यू देख रहे हैं इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा 4 बार, क्योंकि आप देख सकते हो मुझे एक रो में 4 कार्ड्स दिखे, इसीलिए मैंने 4 इमेज जो ड्यू है उसको पेस्ट कर दिया। और क्या करूँगा, मैं इस H1 को कॉपी करके ड्यू के बाहर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि जिससे मुझे दिक्कत ना हो CSS देने में, इसीलिए बस बेसिकली। और ये जो ड्यू है कार्ड वाला, इस पूरे ड्यू को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया मैंने बेसिकली इसको 3 से 4 बार पेस्ट कर दिया। और हमें क्या करना है इसमें, आपको इमेज है जो इमेज डिफरेंट देना है, और इसका कंटेंट आपको चेंज करना है, जो कार्ड की प्राइस होंगी, कार्ड का नेम होगा, इन चीज़ों को आपको सिर्फ चेंज करना है। बाकी हमने ये एक रीयूजेबल कोड क्रिएट किया है जिससे आप सीख सकते हो कि यार हम बहुत सिंपल तरीके से कैसे कार्ड बनाएं, हमें सिर्फ एक बार CSS देने होंगे और वो सभी के सभी कार्ड्स पर अप्लाई होंगी, है ना। तो देखिए मैंने लिख दिया H2 में ब्रांडेड सारीज और $20, और इस इमेज की लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और जो सेकंड ड्यू है बेसिकली कार्ड है उसमें हम पेस्ट कर देंगे। देन इस पर भी हम लिख देंगे ब्रांडेड सा कुर्ती, ये बेसिकली कुर्ती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली नेम चेंज करना है, प्राइस चेंज देना है,
और इमेज डिफरेंट लगाना है। देन आती है हमारे पास थर्ड, बेसिकली थर्ड कार्ड, जिसमें आप देखिए इस इमेज के लिंक को भी मैं कॉपी कर लूँगा और इस इमेज टैग के SRC में मैंने पेस्ट कर दिया। और इसमें हम लिख देंगे ब्रांडेड साड़ीज, ब्रांडेड साड़ीज। इसकी भी हमने प्राइस लिख दी है। देन बेसिकली हम क्या चाहते हैं, देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली लास्ट में भी हम एक इमेज रखने वाले, सेम इमेज रखने वाले इसीलिए इस, और इसमें हम नेम लिख देंगे ब्रांड साड़ीज और S2 में उसकी डॉलर भी लिख देंगे, बेसिकली मनी प्राइस भी लिख देंगे। देन आपको अब क्या करना है, इस लिंक को भी हम कॉपी कर लेंगे इमेज की और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे वाले ड्यू कार्ड में, क्योंकि आपको पता है हमने उसे कॉपी करके 3 से 4 बार उसे पेस्ट किया है ना। तो इसमें हम लिख देंगे टी शर्ट और $20, सेम ही कर रहा हूँ यार। बेसिकली हमें बेसिकली प्राइस के से मतलब नहीं, हमें यहाँ पर सीखने से मतलब है हम किस तरह से सैम्पल कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसी की भी हम मैंने इमेज के लिंक को पेस्ट कर दिया और इसमें हम लिख देंगे बेसिकली H2 में स्वेटर्स लिख दिया हूँ मैंने। और इसमें हम लिख देंगे $20, इसकी बेसिकली प्राइस है। और फिर मैं जाऊँगा और इमेज शूज़ की इमेज को कॉपी कर लूँगा लिंक को बेसिकली, और सोर्स में पेस्ट कर देंगे हम, और उसका हम नेम भी लिख देंगे शूज़ देन $20, देन इस जो बैग के लिंक इमेज है बेसिकली ये हम इसे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। और बेसिकली हम इसमें लिख देंगे इसका नेम हगीज़, जो कि बेसिकली बेबीज़ के लिए होता है। और इसकी हम लिख देंगे प्राइस $10 लिख दिया हुए इसलिए मैंने। देन हमारे पास आती है इमेज बैग की, इसको हमने कॉपी किया और हमने इसमें पेस्ट कर दिया इस इमेज टैग में। बेसिकली हम ये थर्ड वाला कार्ड बना रहे हैं, ये थर्ड हमारा कार्ड्स का है। और इसके हम प्राइस लिख देंगे $20। देन हमारे पास इस टी शर्ट की लिंक को भी कॉपी कर लेंगे और इमेज टैग में पेस्ट कर देंगे। और इसका बेसिकली हमने नेम लिख दिया टी शर्ट और इसकी प्राइस लिख देंगे $20। और ये जो टी शर्ट है इसकी लिंक को भी हमने कॉपी कर लिया और इसे पेस्ट कर देंगे। बेसिकली इसका नेम भी टी शर्ट ही है, शर्ट्स लिख देंगे बेसिकली शर्ट्स ऑन $20। और आप देख सकते हो जो हमने ड्यू क्रिएट किए थे बेसिकली तीन ड्यू मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया था, तो ये 3 हो चुके हैं हमारे इमेजेस। अब मैं इसके बाद बेसिकली फूटर क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने क्लास दी फूटर और उसके अंदर एक और ड्यू क्रिएट किया जिसकी मैंने क्लास दी लिस्ट, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ टैग है। और जो हमारे पास लिस्ट वाला ड्यू है उसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया हूँ 4 से 5 बार। और बेसिकली यार इसमें हम H2 लिख रहे हैं क्योंकि हमें H2 में चाहिए स्टॉप रिच आउटर्स, बेसिकली हम ये लास्ट वाला पार्ट लिख रहे हैं। देन हमको क्या करना है, इसमें भी हम H2 लिखेंगे H2 और H2 में हम लिखेंगे शॉप नॉन स्टॉप ऑन मीशो और बहुत सारे पैराग्राफ टैग ले लेंगे, बेसिकली एक ही पैराग्राफ टैग होगा उसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर BR टैग लगा दूँगा, ब्रेक टैग, जिससे कि क्या होगा यार जो ये नई लाइन से दिखना स्टार्ट होगा। देन हम क्या करेंगे इसको करियर्स को कॉपी कर लेंगे, करियर्स को हम कॉपी कर लेंगे पेस्ट कर देंगे। बिकम अ सेलर सप्लायर्स, इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और आपने देखा कि हमने सभी फूटर की जो कंटेंट है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है
और हमने यहाँ पर फूटर की भी HTML कंप्लीट कर दिए। अब देखते हैं कि यार हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। तो हमारा आउटपुट यार विदाउट CSS कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं किए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं CSS। सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग 0 कर दूंगा, जिससे क्या होगा यार कि अननेसेसरी विड्थ जो मिलती है तो वो हमें नहीं मिलेगी, हम पूरा फुल स्क्रीन ब्राउज़र का यूज़ कर पाएंगे। और बेसिकली जो हमने नेव टैग बनाया था उसको हम डिस्प्ले फ्लैग्स कर रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जिससे कि जो भी कंटेंट होगा सेंटर में चले जाएंगे और उस कंटेंट को स्पेस मिलने जाएगी लेफ्ट और राइट से। और जो नेव में इमेज है उसकी विड्थ 22% होने वाली है, और जो नेव में इनपुट है उसकी विड्थ होने वाली है 320 पिक्सल, और उसकी हाइट होने वाली है 40 पिक्सल। और उसमें हम आउटलाइन नन कर देंगे। आउटलाइन नन से क्या होगा, बेसिकली जब हम इनपुट टैग में कुछ लिखने जाते तो एक बॉर्डर आ जाती है, तो वो बॉर्डर नन कर दी हमने आउटलाइन, तो अब नहीं आएंगे, है ना। तो आप देख सकते हो कुछ अभी हमारे जो हमने नेवबार को CSS दी ना, कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमने इनपुट में प्लेस होल्डर नहीं दिया था, तो हम यहाँ पर प्लेस होल्डर दे रहे। हम लिख रहे हैं यहाँ पर ट्राई सारीज कुर्तीज और सर्च बाय प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमने प्लेस होल्डर नहीं लिखा था, तो अभी हमने प्लेस होल्डर लिख दिया, जिससे कि यूज़र को पता चल जाए कि वो सर्च कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमने आप देख सकते हैं क्रिएट कर लिया है। देन बेसिकली जो इमेज है उस इमेज को हम मार्जिन टॉप से -22 पिक्सल से क्या होंगे, ये उल्टा टॉप से नहीं आते हुए बॉटम से टॉप जाएगा, है ना, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैंने 52 पिक्सल कर दिया इसको, -72 करके देख रहा हूँ, तो ये ठीक लग रहा है। देन नेव में हमारे पास बेसिकली एक ड्यू की हमने क्लास दी थी डाउन, उसको भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर दे रहे। तो देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स करने से जो प्रोफाइल कार्ड है वो भी सब चीज़ें एक लाइन में आ चुकी है। देन हमारे पास नेव है, नेव के अंदर बेसिकली हमारे पास है एक ड्यू की क्लास डाउन, उसके अंदर जो आई है बेसिकली आइकन्स है उसको बेसिकली हम मार्जिन इनलाइन दे देंगे। मार्जिन इनलाइन 11 पिक्सल। देखिए मार्जिन इनलाइन से क्या हुआ, डाउनलोड और आइकन के बीच में मार्जिन आ गई, है ना, इनलाइन मतलब उनके दोनों के बीच में मार्जिन आ गई। और उनका जो फॉन्ट साइज़ है 22 पिक्सल कर दे रहे हम, तो 22 पिक्सल फॉन्ट साइज़ कर दिया हमने, 20 कर इज राइट, 20 बिल्कुल बेटर है। देन बेसिकली हम जो पूरा नेव है हमारा, नेव बार है, उसको मार्जिन टॉप से थोड़ा नीचे लाना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने 11 पिक्सल उसको मार्जिन टॉप से दे दिया, क्योंकि एकदम ऊपर चिपका भी वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको नीचे ला दिया है। और आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट नेव बार है वो लगभग कम्प्लीट हो चुका है। और इसको हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल कर दें। तो देखिए ये सभी चीज़ें मार्जिन टॉप से आ चुकी है, जो याला राइट वाला पार्ट है वो भी आ चुका है, और फर्स्ट वाला पार्ट हमारा बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। जो हमने ड्यू की सेकंड नेव बेसिकली क्लास दी थी, मतलब जो हमारा सेकंड नेव बार है, हम उसको यहाँ पर कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस अराउंड। इससे क्या होगा कि सभी कंटेंट स्पेस अराउंड, मतलब लेफ्ट और राइट से और बीच में से उसको स्पेस मिलेगा, सेंटर में आ जाएगा। और बॉर्डर हम बोल देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, और इस ग्रे को बेसिकली मैं क्या करूँगा, सेट कर दूँगा, कम कर दूँगा हम, जिससे कि हमें बॉर्डर जो दिखेगी एकदम लाइट बॉर्डर दिखने वाली है। और बॉर्डर लेफ्ट को नन कर दूँगा, क्योंकि और बॉर्डर राइट को भी नन कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ टॉप और बॉटम की बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट राइट की बॉर्डर नहीं चाहिए, इसलिए हमने नन कर दिया है। पैडिंग दे देंगे हम इसको 55 पिक्सल की। पैडिंग से क्या होता है कि उसे अंदर से मिलती है, तो आप देख सकते हो उसको पैडिंग की वजह से ही नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पर कम करूँगा ना पैडिंग, तो ये देखिए जो पहले इतना नीचे था अब वो नहीं रहेगा। और मार्जिन टॉप से -55 पिक्सल, बेसिकली पैडिंग हमने 20 पिक्सल दे दिए। देखिए
20 पिक्सल इज फाइन और बहुत सही लग रही है, और हमने आप देख सकते हो पैडिंग 20 पिक्सल दी जिससे वो सही लग रहा है। और जैसे हम सेकंड नाव में बेसिकली पी है पैराग्राफ्ट है, जैसे उस पर होवर करें तो कलर उसका पिंक हो जाए, उस पिंक कलर को हम कर लेंगे थोड़ा डार्क, मतलब हम करते हैं सेट कलर को। तो जैसे मैं होवर करूँगा तो जो टेक्स्ट का कलर है वो पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा। और जो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं जो सेकंड नाव है उसमें जो फॉन्ट वेट रहे वो 60, हम 600 बेसिकली, इससे क्या होता है कि जो फॉन्ट का वेट है बढ़ जाता है, मतलब फॉन्ट मोटा हो जाता है। देर हम चलते हैं हमारे मेन पेज को डिज़ाइन करने की तरफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे, तो उनको क्या होगा वो सेंटर में चले जाएंगे और लेफ्ट और राइट से उन्हें भी स्पेस मिल गई। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली मेन हमारे पास मेन हमने क्लास दी एक ड्यू की जिसमें हमारे पास टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट की जो विड्थ है उसको हम 500 पिक्सल कर देंगे टेक्स्ट की विड्थ को। और जो हमारा मेन है बेसिकली उसको हम मार्जिन टॉप से 44 पिक्सल कर देंगे जिससे नीचे दिखे, मतलब थोड़ा दूर दिखे नेवबार से, तो इसलिए मैंने 44 कर दिया। और जो बेसिकली जो मेन के अंदर टेक्स्ट है उसका हम बैकग्राउंड कलर ग्रे चाहते हैं, उस बैकग्राउंड कलर ग्रे को मैं एकदम हल्का ग्रे करना चाहूँगा, इसलिए हम उस ग्रे कलर को सेट कर देंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से। और हमने यदि स्पेस अराउंड दिखा, इससे क्या हुआ कि उसको लेफ्ट और राइट और बीच में से भी स्पेस मिल गया। अब हमने वो हटा दिया तो देखो दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मेन है हमारे पास मेन क्लास है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट है और टेक्स्ट में हमारे पास है H1 की जो फॉन्ट साइज़ है वो 44 पिक्सल है और मार्जिन टॉप से हम 11 पिक्सल बोल रहे हैं और मार्जिन लेफ्ट से हम 10 पिक्सल बोल रहे हैं, तो मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल। और हमें फॉन्ट साइज़ और इंक्रीज़ करना पड़ेगी क्योंकि बड़ी फॉन्ट साइज़ चाहिए हमें, तो देखिए मैंने 55 पिक्सल कर दिया वो फॉन्ट साइज़ को, सॉरी 54 कर दिए हमने, 54 कर दिया। देन मार्जिन लेफ्ट से भी दे दिया हमने, मेन में जो बेसिकली टेक्स्ट है और टेक्स्ट में हमने आधे आपको एक TXT नाम के क्लास दी थी, उसको भी हम चाहते हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड हो जाए, तो हम उसको सेंटर में कर देंगे। देन हमारे पास टेक्स्ट में जो TXT है और TXT में जो H2 है उनमें सब H2 है, तो उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर मार्जिन इनलाइन दे देंगे। मार्जिन इनलाइन से क्या होगा बेसिकली कि जो आपको याद है हमने 3 बनाए थे H2, तो उन तीनों के कुछ ना कुछ बीच से मार्जिन मिल रही है, देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो तीनों को मार्जिन मिल रही है। और इनका मैं फॉन्ट साइज़ कम कर दूंगा बेसिकली 22 पिक्सल कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कैश ऑन डिलीवरी इन सभी को। और मार्जिन टॉप से हम दे देंगे 22 पिक्सल, तो ये थोड़ा सेंटर में आ जाएंगे। फ्री डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी की देखिए किस तरीके से इसके ऊपर हमने CSS अप्लाई की है। और मेन में हमारे पास टेक्स्ट एक क्लास है और उसके अंदर हमारे पास एक बटन है जो कि हमारा मेन बटन है मीशो का, उसकी हम विड्थ दे रहे हैं 220 पिक्सल और हाइट दे रहे हैं हम उसकी 40 पिक्सल एंड BGC बैकग्राउंड कलर पिंक। तो इस बैकग्राउंड कलर पिंक को हम क्या करेंगे डार्क पिंक कर दे रहे हैं वैसे, तो इससे क्या होगा डार्क पिंक हो जाएगा। और कलर वाइट, कलर वाइट से क्या होगा कि जो भी उसके अंदर का टेक्स्ट है ना वो वाइट कलर का दे रहे हैं हम। देन बॉर्डर हम यहाँ पर नन कर रहे हैं जिससे कि कोई भी बॉर्डर हमें ना दिखे। मेन हमारे पास क्लास है, उसके टेक्स्ट है, उसके टेक्स्ट में जो बटन है जैसे उस पर होवर करें तो बेसिकली हम यहाँ पर लगा रहे हैं होवर इफेक्ट। हम यहाँ क्या लगा रहे हैं होवर इफेक्ट लगा रहे हैं, जैसे हम होवर करें तो बैकग्राउंड कैसा हो जाए ट्रांसपेरेंट, जो पीछे है वही दिखेगा, मतलब वाइट दिखेगा, ग्रे दिखेगा और बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड पिंक हो जाए, मतलब बॉर्डर पिंक कलर की आ जाएंगी और पीछे बैकग्राउंड में वाइट होगा ग्रे होगा। इस तरीके से हम होवर इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और कलर
पिंक दे दिया हमने, इस पिंक को हम क्या कर लेंगे, सेट मीन्स हम थोड़ा उसको डार्क बना दे रहे हैं। जो बटन है, बटन की जो विड्थ है वो कम है, तो इसको हम 300 पिक्सल है अभी वो, और इसकी जो हाइट है उसको 43 पिक्सल कर देंगे, तो 43 पिक्सल हाइट, 43 पिक्सल हाइट हो गई। और जो फॉन्ट साइज़ है हमने 18 पिक्सल कर दिए, अब 20 कर दिए, कि जिससे डाउनलोड द मीशो अब दिख रहा है बहुत क्लियरली। मार्जिन टॉप से 33 पिक्सल कर दे, जिससे क्या होगा थोड़ा नीचे आ जाएगा बटन, और मार्जिन लेफ्ट से भी, तो हमें बटन को एक लेफ़्ट साइड में ही दिखाना है, लेकिन ज़्यादा सेंटर में भी नहीं दिखाना है। इस तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं इसको। मार्जिन टॉप से 53 कर दिया हूँ मैंने, तो आप देख सकते हो हमने बटन को भी क्रिएट कर लिया। जो मेन होता है मीशो वेबसाइट का, जो मेन चीज़ है वो हमने क्रिएट कर ली है। मीशो वेबसाइट का मेन पेज भी क्रिएट कर लिया, और होवर इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। देन हम बेसिकली हमने जो क्लास दी थी टॉप कैट, आपको याद होगा, उसका जो H1 है उसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रहे हैं, और मार्जिन टॉप से उसको दे देंगे हम 44 पिक्सल मार्जिन टॉप से। देन हम यहाँ पर पैडिंग 22 पिक्सल दे रहे हैं, जिससे उसको क्या होती है यार, अंदर से मार्जिन मिलती है, अंदर से विड्थ मिलती है। और जो टॉप कैट है, टॉप कैट में जो FS है बेसिकली, उसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहे हैं, और बेसिकली ये है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ चीज़ें आ गई है, हमारा टेक्स्ट और इमेज दोनों ही एक ही रो में आ चुके हैं। और टॉप कैट में जो FS टेक्स्ट है, देखिए FS टेक्स्ट को मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, पिंक दे दिया, एकदम लाइट पिंक, और मैंने इसकी विड्थ 800 कर दिया, तो ज़्यादा हो रही है बेसिकली, हम यहाँ पर 600 कर रहे हैं, तो 600 इज़ फाइन, 600 और बहुत सही है। और इसकी जो मैं कलर है और मैं हल्का कर दिया, तो इसका जो कलर है हमें एकदम हल्का कलर चाहिए, एकदम लाइट कलर हमें चाहिए यहाँ पर। देन टॉप कैट, टॉप कैटेगरीज में जो FS में टेक्स्ट है उसमें जो H1 है, H1 का फॉन्ट साइज़ हम 55 पिक्सल लिख रहे हैं, और मार्जिन टॉप से ये देखिए 55 पिक्सल हो गया, तो इसके फॉन्ट साइज़ को मैं और इंक्रीज़ कर सकता हूँ, 65 कर दिया। ये देखिए फैशन स्टोर, ये 65 पिक्सल का हो चुका है। मार्जिन टॉप से हमने 33 पिक्सल तो दे ही दिया है, और जो FS है बेसिकली उसको भी हम लाइट पिंक कर दे रहे हैं, और बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने एकदम लाइट पिंक। मार्जिन लेफ्ट से 66 पिक्सल, तो आप देख सकते हो मार्जिन लेफ्ट से 66 पिक्सल, और उसकी जो विड्थ होगी 1000 पिक्सल। और मार्जिन लेफ्ट से 76 पिक्सल, तो देखिए क्या हुआ, 86 कर दिया। तो ये मार्जिन लेफ्ट से हमारा कार्ड मतलब सेंटर की तरफ दिख रहा है, और उसकी विड्थ 1000 है, और मार्जिन टॉप से इसको हम दे देंगे 44। मार्जिन टॉप से कितना हो गया, 44 हो चुका है। देन आप देख सकते हो फैशन स्टोर वाला जो कार्ड है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ चलते हैं सेलर की तरफ, दो सेलर में जो बेसिकली है H1, सेलर में जो H1 है जिसमें हमने बिकम सेलर लिखा था, उसमें हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, जिससे टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, और मार्जिन टॉप 33 पिक्सल कर देंगे, पैडिंग 33 पिक्सल कर देंगे, पैडिंग भी हम 33 पिक्सल कर रहे हैं बेसिकली, जिससे कि उसको अंदर से विड्थ मिलेगी। देन ये सेलर वाला पार्ट है, सेलर वाले में जो फॉन्ट साइज होगा 44 पिक्सल का होगा, 44 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ होगा। और सेलर, सेलर में है हमारे पास इमेज, सेलर में है हमारे पास इमेज, तो उस इमेज की विड्थ होगी 1000 पिक्सल, जो हमने पिछली बार दी थी वही दे रहे हैं यार। और मार्जिन लेफ्ट से होगा बेसिकली 86 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट से दे देंगे हम,
तो आप देख सकते हो जो इमेज है प्रॉपर सही जगह पर चली गई है। अब हम कुछ काम करना है कार्ड्स का, हमारे कार्ड्स को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो कार्ड है, जो क्लास है कार्ड, उसको ले रहा हूँ और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सभी कार्ड सेंटर में आ जाएंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जिससे क्या होगा कि कार्ड को स्पेस मिल जाएगा लेफ्ट से, राइट से और मिडल से, बीच से। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे कार्ड्स अभी दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारे कार्ड्स अभी दिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो मैं कार्ड को डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहा था, अब मैंने CRD को दे दिया, क्योंकि CRD के अंदर ही हमारी इमेजेस है। और जो H1 है, बेसिकली H1 को हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रहे हैं। फॉन्ट साइज़ दे दी है 44 पिक्सल की, मार्जिन टॉप से 33 पिक्सल और पैडिंग भी हमने उसे 33 पिक्सल दे दी। H1 बेसिकली इन कार्ड्स का हेडिंग टैग है, जिसे हमने ड्यू के बाहर लिख दिया था, इसलिए मैं उसे डायरेक्ट H1 लिख रहा हूँ। देन बेसिकली जो CRD है, CRD के अंदर इमेज हमारे पास क्लास है, उसके अंदर जो इमेज टैग है उसकी हम विड्थ 82% दे रहे हैं। देखिए जब मैंने 82% दिया तो प्रॉपर ये वर्क कर रहा है और जो हमारे कार्ड है बिल्कुल सही तरीके से दिख रहे हैं। और सबको मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, जिससे आप देख रहे हैं ब्रांडेड साड़ीज, कुर्तीज, ये सभी चीज़ें टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है। देन जो CRD है, बेसिकली हमारी क्लास का नेम है, CRD में एक इमेज डॉट IMG एक क्लास है, उसको हम क्या करेंगे, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए हमारी, एक 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे एक बॉर्डर क्रिएट हो गई। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास बॉर्डर क्रिएट हो गई है। और मैं क्या करूँगा, बेसिकली जो कार्ड है, कार्ड को क्या करूँगा, मैं मार्जिन टॉप से 33 पिक्सल कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि देखिए सभी के बीच में एक मार्जिन टॉप से किया तो हर एक कार्ड के बीच में गैप आ गया। तो आप देख सकते हो हमने कार्ड को बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट कर लिया है। और अब चलते हैं फूटर की तरफ। तो मैंने फूटर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी हूँ और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दी, तो सभी की सभी जो कंटेंट होंगे वो सेंटर में चला जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे, देन ये आप देख सकते हो हमारे पास ये आइकन्स है, बेसिकली है ना, ये हमने आइकन्स का यूज़ किया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन आइकन को एक ड्यू के अंदर रख दे रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा और एक ड्यू क्रिएट करूँगा, जिसकी क्लास दूंगा मैं इंस्टा। ये बेसिकली हमारे पास इंस्टा के, फेसबुक के, सब के आइकन हमने यहाँ पर रखे हैं। और एक और ड्यू क्रिएट करूँगा, जिसकी हम यहाँ पर क्लास दे देंगे ट्विट, मतलब ट्विटर। और इस आइकन को भी कॉपी कर लूँगा, एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी हम देंगे क्लास YT। बेसिकली इसमें YouTube का आइकन है। देन मैंने क्या किया, आप जो देख रहे हो P टैग, मैंने सभी जगह BR टैग लगा दिए, जिससे क्या हुआ यार कि एक गैप मिल जाता है हमें और वो सभी के सभी एक नेक्स्ट लाइन में चीज़ें दिखती, तो जिससे हमें यार गैप मिल जाता है। फूटर को मार्जिन टॉप से 44 पिक्सल दे दिया और पैडिंग भी हमने 55 पिक्सल दे दिया, जिससे क्या होगा कि टॉप से और पूरे हमारे अंदर ही अंदर हमें विड्थ मिल जाएंगी पैडिंग की मदद से। और फूटर में जो बेसिकली आइकन है, आइकन्स, हमने आइकन्स नाम से एक क्लास दी है, तो उसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। तो देखिए जो पूरे आइकन्स है वो फ्लेक्स हो गए, एक रो में आ चुके हैं। और फूटर में हमारे पास है आइकन्स, और आइकन्स में हमारे पास है आई, मतलब आई टैग के अंदर हमारे पूरे पास आइकन्स है। तो उन आई को मैं कर रहा हूँ टारगेट, उसको हम कर रहे हैं मार्जिन ब्लॉक, मैंने कर दिया 11 पिक्सल और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो बेसिकली यार लिस्ट में आइकन कर दिया मैंने, और
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने मार्जिन ब्लॉक लिखा था, मुझे लिखना चाहिए था मार्जिन इनलाइन, तो मैंने मार्जिन इनलाइन लिख लिया हूँ। और फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर 33 पिक्सल दे रहे हैं कि भाई फॉन्ट साइज़ बेसिकली जो आई होता है, आइकन होता है ना यार, उन्हें फॉन्ट साइज़ देना पड़ता है। नहीं तो हम इमेज को विड्थ देते हैं लेकिन आइकन को फॉन्ट साइज़ देना पड़ता है। और फूटर का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो एकदम लाइट ग्रे होगा, फूटर का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे फूटर का बैकग्राउंड कलर होगा। तो आप देख सकते हो ये फूटर का बैकग्राउंड कलर है लाइट ग्रे। फूटर में जो लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और डिव है जिसकी क्लास है हमारे पास FS मतलब फेसबुक। तो हम यहाँ पर ये जो आइकन्स है इनको टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इनको यार कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सिर्फ मुझे यहाँ पर उनकी क्लास का नेम चेंज करना है। जो इंस्टा है, इंस्टा का हम कलर कर देंगे रेड, और इस रेड को हम कर देंगे थोड़ा सा साइड कर देंगे, सेट हो चुका है। देन हमारे पास है YT यूट्यूब, सिर्फ हमें क्लास का नेम चेंज करना है और कलर चेंज करना है जिसका हम रहने देंगे रेड। देन हमारे पास है लिस्ट, ट्विटर, और ट्विटर का भी बेसिकली थोड़ा डार्क ब्लू होगा बस, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं यार हमने कंप्लीट मीशो वेबसाइट क्रिएट कर ली है। हमें इसे और ब्यूटीफुल बनाना है तो हम क्या करें, यहाँ पर बेसिकली फॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं हम गूगल फॉन्ट का, और मैंने मुक्ता फॉन्ट फैमिली का यूज़ किया है। और आप देख सकते हो हमारा पूरा फॉन्ट फैमिली का यूज़ करके लुक चेंज हो चुका है। अगर यार आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, आप लोगों का इतना सपोर्ट है और आपने 500 सब्सक्राइबर हमने क्रॉस कर लिए हैं। तो यार अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार इसे प्लीज़ शेयर कर दिए अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, जिससे यार आपको हेल्प मिल सके और हमें नई और बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाने में हमें इजी हो। तो अगर यार आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।